हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं बॉलीवुड केसरी। प्रभास की फिल्म आदिपुरुष के टीजर ने जो तहलका मचाया वो फिलहाल तो थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिल्म का टीजर जब से सामने आया है तब से ही ये फिल्म विवादों के घेरे में घिरती हुई नजर आ रही है। इस फिल्म को लेकर विवाद इस कदर बढ़ गया है कि अब लोग इस फिल्म को बैन करने की मांग के साथ साथ फिल्म के मेकर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात भी करने लगे हैं। फिल्म के मेकर्स पर रामायण का इस्लामीकरण करने के साथ ही सर्व ब्राह्मण महासभा ने यह चेतावनी दी है कि अगर इस फिल्म से विवादित सीन्स को नहीं हटाया गया तो फिल्म के मेकर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब इस पूरे विवाद के बीच में फिल्म के निर्देशक ओम राउत का रिएक्शन भी सामने आ गया है। ओम राउत ने कहा कि इस फिल्म में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म के जरिए भगवान राम की कहानी को दुनिया के सामने लाया गया है। इसके साथ ही सारी चीजों को बड़ी ही पवित्रता के साथ रखा गया है। इसके साथ ही ओम राउत ने कहा कि वो अपनी फिल्म में किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। अब अगर बात करें फिल्म में रावण के किरदार की, तो इस फिल्म में रावण का किरदार सैफ अली खान निभा रहे हैं और सैफ अली खान के लुक की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। साथ ही लोग सैफ अली खान के इस लुक से काफी ज्यादा नाराज भी नजर आ रहे हैं। इस पर भी ओम राउत ने कहा कि वो मूंछों के साथ रावण को सोच नहीं पा रहे हैं। पहले के जमाने में जिस रावण को हमने देखा था वो बुराई का प्रतीक था, लेकिन आज के समय का ये रावण राक्षसी है और वो उसे उसी अंदाज में देखते हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि मैंने इसका रंग बदल दिया है, उस पर भी उन्होंने कहा कि ये कोई रंग बदला नहीं है, ये रंग वही है और ये धर्म का रंग है। अब अगर रावण के लुक के साथ साथ बात करें रावण के पुष्पक विमान की, तो इसे लेकर भी फिल्म विवादों के घेरे में खड़ी हुई है। इस पर भी ओम राउत ने कहा कि किसने कहा कि ये पुष्पक विमान है, ये तो सिर्फ 95 सेकंड का फिल्म का टीजर है। यानी ओम राउत तो यही कह रहे हैं कि फिल्म के कुछ सीन्स को देखकर अब पूरी फिल्म का विरोध नहीं होना चाहिए। फिलहाल तो ये फिल्म विवादों के घेरे में है और इस फिल्म से विवादित सीन्स को हटाने की बात कही जा रही है, लेकिन ओम राउत ने भी साफ कर दिया है कि वो इस फिल्म में कोई भी तरह का बदलाव नहीं करेंगे। अब इसके बाद फिल्म के मेकर्स पर किसी भी तरीके का कोई कानूनी कदम उठाया जाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी फिल्मी दुनिया और टीवी की दुनिया से जुड़ी हुई और भी ऐसी लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए बॉलीवुड केसरी।